हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं स्टोर लेजर का ही एक क्वेश्चन, जो कि हम करेंगे आज इसको सॉल्व करने की कोशिश। हम सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमने तीनों तरीके के मेथड्स को यूज़ करके देखना है। पहले लीफो मैथड, देन फीफो एंड तीसरा वेटेड एवरेज मैथड। लीफो मैथड ऑलरेडी हम कर चुके हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखी, आपको समझ नहीं, आप जा करके देख सकते हो। इन दिस वीडियो हम सिर्फ फीफो मैथड के बारे में डिस्कस करेंगे कि फीफो मेथड के अकॉर्डिंग स्टोर लेजर अकाउंट कैसे बनाया जाता है। जिस तरीके से लीफो मेथड में हमने समझा था कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो माल आपके पास, जो मटेरियल आपके पास सबसे लास्ट में आया है, आप सबसे पहले उसे अपने स्टोर से निकालोगे जब भी माल इशू करोगे, उसी तरीके से फीफो क्या कहता है कि जो पहले आया है उसको निकालो। इसका एक लेटेस्ट एग्जाम्पल, लेटेस्ट नहीं, मैं आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल देती हूँ। कैसे? देखो, आपके घरों में हमेशा बाहर से दूध आता होगा, ठीक है। मैं अगर अपने घर की बात करूँ तो अमूल का जो है हम लोग पैकेट्स लेकर के आते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि लेट सपोज अभी हम लेके आए, दो थैली लेके आए, हमने एक यूज़ कर ली, एक रखी हुई है, शाम को दोबारा दो थैली लेकर के आए, तो हमारे घर में क्या होता है, या फिर कल लेकर के आए तो हमारे घर में क्या होता है कि जो पहले वाली पड़ी है ना उसको यूज़ कर लो, क्यों? क्योंकि वो ख़राब हो जाएगी। तो इस कारण से, या कई किसी और कारण से, कोई और प्रोडक्ट है, आप कह रहे हो कि पहले उसको यूज़ कर लो, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट प्रोडक्ट, जो पहले प्रोडक्ट आपने लिया है उसको निकाल रहे हो, उसको इशू कर रहे हो, या उसको मटेरियल को यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे उस मेथड को कहा जाएगा फीफो मेथड, की जो पहले आया है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया उसको पहले निकालेंगे, पहले यूज़ करेंगे, पहले इशू करेंगे, ठीक है। लीफो कहता था जो लास्ट में आया उसको पहले कर दो, ठीक है, लास्ट में आया उसको पहले कर दो। सो लीफो मेथड हमने अच्छे से समझ लिया था, फीफो मेथड समझते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। सो अगेन आई एम हैविंग द सेम क्वेश्चन, ठीक है। सो सबसे पहले मैं फीफो मेथड का यहाँ पे आपको परफॉर्मा बता देती हूँ, एंड देन एक एक करके क्वेश्चन को जो है, एक एक आपकी एंट्रीज को पढ़ के समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखोगे स्टोर लेजर अकाउंट, स्टोर लेजर अकाउंट। जब भी एग्जाम में आपके स्टोर लेजर अकाउंट आता है, ठीक है, तो आप जिस भी मैथड से सॉल्व कर रहे हो उसके पास ब्रैकेट में ज़रूर लिखिएगा कि कौन सा मैथड आप यूज़ कर रहे हो। इन दिस सिचुएशन आई एम यूजिंग द फीफो मैथड, फीफो मैथड, तो यहाँ पे मैं फीफो मैथड लिख देती हूँ, राइट। सबसे पहले अब यहाँ पे हम लिखेंगे डेट, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले डेट का कॉलम होता है, सो यहाँ पे डेट का कॉलम। उसके बाद आपके तीन डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स बनते हैं, सबसे पहले माल रिसीव होने के, दूसरा इशू होने के, तीसरा बैलेंस के। तो वो तीन डिफरेंट डिफरेंट हम एरियाज यहाँ पे बना लेते हैं, तो फ़ोन से ही मैं यहाँ पे ट्राई कर लेती हूँ, ठीक है। तो आप लोग स्केल लेके जाना एग्जाम में, मेरे पास तो फ़ोन का ऑप्शन है तो मैं कर रही हूँ, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये आपका फीफो मेथड के अकॉर्डिंग कुछ परफॉर्मा किस तरीके से बनता है, पहले ये देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे तीन हमने मेन पार्ट्स पार्ट लिए, इसमें भी आपका एक है रिसिप्ट, रिसिप्ट का पोर्शन, दूसरा है इशू का पोर्शन, तीसरा है बैलेंस का पोर्शन, ठीक है, बैलेंस का पोर्शन। अब यहाँ पे रिसिप्ट में भी तीन पोर्शन आपके बनते हैं, तीन पोर्शन आपके बनते हैं, कौन कौन से, कि भैया चलो ठीक है माल रिसीव किया, कितनी क्वांटिटी रिसीव की है, कितनी क्वांटिटी रिसीव की है, तो पहला पोर्शन क्वांटिटी का, दूसरा कितने रेट पे की है, 100 क्वांटिटी की है तो एक क्वांटिटी का कितना प्राइस है, 100 क्वांटिटी का, और जो है टोटल अमाउंट कितना है, यानी कि अगर आप 100 मटेरियल लेकर के आए हो तो एक मटेरियल कितने का पड़ा, यानी कि उसका रेट क्या है, और टोटल अमाउंट कितने का पड़ा, यानी अमाउंट क्या है, ठीक है। सेम इशू के साथ कि अगर आपने माल इशू किया है तो कितनी क्वांटिटी इशू की है, कितनी क्वांटिटी इशू की है, कौन से रेट वाली इशू की है, एंड कितना अमाउंट अब आपके पास बैलेंस बचा हुआ है। बैलेंस में भी कितना अमाउंट आपका जो है बनता है, बैलेंस में भी आपके पास तीन पोजीशन बनेगी। सबसे पहली आपकी बनेगी कि कितनी आपकी क्वांटिटी है, कितना आपका रेट है, और कितना आपका अमाउंट है, यानी कि तीन मेन आपके पोजीशंस बनेंगी, और उसमें भी तीनों में आपके तीन तीन पोजीशंस और बनेंगे, तीन तीन डिफरेंस और बनेंगे, क्या क्या, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एंट्री। फर्स्ट एंट्री सेज दैट 2023 की सारी एंट्रीज हैं, तो सबसे पहले मैं 2023 लिख लेती हूँ। सो द वेरी फर्स्ट एंट्री जो कि है जनवरी फर्स्ट की, ये कहता है ओपनिंग बैलेंस मेरे पास पड़ा है 3000 क्वांटिटीज़ का, जिसका प्राइस है 20 रुपीज़। सो दिस टॉक्स अबाउट द ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। तो ना तो रिसिप्ट हुआ है, ना ही कुछ इशू हुआ है, ओपनिंग बैलेंस है, तो बैलेंस में एंट्री जाएगी। कितनी क्वांटिटी है, 3000, रेट है 20, टोटल अमाउंट बना 6000 का,
6,000 का, ठीक है। पहली एंट्री ये आपकी हो गई। दूसरी एंट्री आती है जनवरी 5 की। जनवरी 5 कहता है कि मैंने परचेज की है 2,000 क्वांटिटी 22 रुपए के हिसाब से, तो यहाँ पे क्वांटिटी बाई हुई है 2,000, क्योंकि हमने रिसीव की है, परचेज किया तो यानी माल मेरे पास आया है, रिसीव हुआ है, तो इसलिए रिसिप्ट की जगह पे 2,000 क्वांटिटी 22 रुपए के हिसाब से, तो 22 × 44 यानी 44,000 का टोटल माल मेरे पास यहाँ पे आया है, ठीक है। नेक्स्ट, इसी में इशू तो कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि रिसिप्ट हुआ है तो इशू नहीं हुआ, तो यहाँ पे बैलेंस कितना बचा? बैलेंस बचा एक तो मेरे पास पहले से जो 3,000 क्वांटिटी बची थी 20 रुपए के अकॉर्डिंग, 6,000 के माल वाली, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ क्योंकि मैंने शायद काफ़ी छोटा लिख दिया। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे अब मेरे पास माल बचा है 2,000 क्वांटिटी का जो कि है 22 रुपए का, जो मैंने अभी लेटेस्ट ख़रीदा है, और ये है 44,000 के अमाउंट की, ठीक है। 44,000 की ऊपर वाला 3,020 यानी कि 60,000 की वैल्यू है। सो ये 60,000 का वैल्यू और ये 44,000 का अब मैंने ख़रीद लिया। ये तो बात की जनवरी 5 में। उसके बाद जनवरी 11 में हम इशू कर रहे हैं 1,500 पीसेस। अब आ जाइए जनवरी 11 तो इशू कर रहे हैं तो रिसिप्ट के एरिया में कुछ भी नहीं, इशू कर रहे हैं कितना इशू हो रहा है? 1,500 क्वांटिटी इशू हो रहा है। अब बिच ध्यान दो, अब मेरे पास एक तो 20 रुपये वाला माल भी पड़ा है, एक मेरे पास 22 रुपये वाला माल भी पड़ा है। जब हमने लीफो मैथड से किया था ना, लीफो मैथड में हमने लास्ट वाला यानी कि 2,000 वाले में से इसको इशू किया था, लेकिन हम बात कर रहे हैं फीफो मैथड की यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट जो मेरे पास माल आया था वो था 20 रुपए के हिसाब से, तो ये जो 1,500 क्वांटिटी मैं इशू करूंगी वो मैं ये 20 रुपए के अमाउंट के हिसाब वाला ही यानी जो 20 रुपए के हिसाब से जो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है उसको इशू करूंगी। सो इसका अमाउंट जो है बन जाएगा 30,000 रुपए। अब मेरे पास बैलेंस में क्या बचा? क्योंकि इन 3,000 में से मैंने 1,500 इशू कर दिए, तो यानी 1,500 तो ये क्वांटिटी बच गई 20 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास बच गया ये 2,000 वाला पूरा का पूरा लॉट, क्योंकि इसमें से अभी हमने कुछ नहीं खर्च किया, तो ये 44,000 रुपए, ठीक है। एग्जाम में आपके पास पेपर थोड़ा बड़ा होता है तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा जो है स्पेसेस इतनी एटलीस्ट रखिएगा, क्योंकि मैंने अभी हाथ से ही लाइनें खींची है इसलिए अमाउंट में आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि काफ़ी छोटा हो गया, बट एग्जाम में आप कोशिश कीजिएगा। एंड इफ़ पॉसिबल हर लाइन के हर एंट्री के नीचे एक लाइन आप यहाँ पर डाल सकते हैं ताकि वो आपको भी क्लियर हो, टीचर को चेक करने वाले को भी काफ़ी अच्छा लगेगा और वो थोड़ा सा इसको लेकर के सही तरीके से चेक कर पाएगी। जनवरी 22 में फिर से परचेज की गई है 2,000 क्वांटिटी 23 के हिसाब से, तो आ जाइए जनवरी 22 में मैं एंट्री डालती हूँ। क्या क्या किया है हमने जनवरी 22 में? हमने किया है 2,000 क्वांटिटी परचेज 23 रुपए के हिसाब से, तो परचेज हुआ है 2,000 क्वांटिटी 23 रुपए के हिसाब से, तो 2,000 क्वांटिटी अगर मैं 23 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट करूँ तो यानी 46,000 का माल हमने परचेज किया है, तो ये 46,000 का माल परचेज हुआ है, इशू कुछ भी नहीं हुआ। और अब बैलेंस क्या बचा? बैलेंस बचा एक तो शुरुआत वाले 1,500 और यहाँ पे 20 रुपए के हिसाब वाले 30,000 का जो वैल्यू मेरे पास बचा था, उसके बाद 2,000 22 रुपए के हिसाब से 44,000 का माल बचा है। अब यहाँ पे मैंने एक और ले लिया जो लिया है 2,000 पीसेस 23 रुपए के हिसाब से 46,000 का माल, तो अब मेरे पास बैलेंस ये बचा हुआ है, ठीक है। अब जनवरी 24 में फिर से मैंने इशू किए 1,500 पीसेस। अब देखो जनवरी 24 में मैंने इशू किए हैं तो परचेज तो कुछ नहीं है, रिसिप्ट में कुछ नहीं है, इशू किए हैं 1,500 पीसेस, ठीक है। जनवरी 24 में 1,500 पीसेस इशू किए हैं, तो यहाँ पे रेट कौन सा जाएगा? फर्स्ट इन यानी कि पहले वाला। अब मेरे पास यहाँ पे 1,500 ही बचे हुए थे पहले लॉट में, तो ये पूरा का पूरा इशू हो गया। सो 1,500 20 रुपए के हिसाब से 30,000 यहाँ पे इशू हो गया। अब देखो बैलेंस क्या बचा मेरे पास? ये वाला मैं पूरा इशू कर चुकी हूँ, अब मेरे पास बस ये लास्ट वाले 2,000 वाले बचे हैं, तो ये लास्ट वाला 2,000 और उससे भी लास्ट वाला 2,000 यानी ये 22 रुपए ये 23 रुपए के हिसाब से 44,000 ये बचा और 46,000 का माल ये बचा हुआ है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, यहाँ पे मेरे पास है जनवरी 28। अब मैंने फिर से इशू कर दिया 2,000 यूनिट्स। अब हमने फिर से इशू कर दिया 2,000 यूनिट्स। जनवरी 28 में इशू हुआ है 2,000 यूनिट, तो रिसिप्ट के साइड में कुछ भी नहीं, 2,000 यूनिट्स इशू हुई हैं, तो प्राइस कितना होगा? देखो प्राइस होगा यहाँ पे 2,000 यूनिट्स यहाँ पे मेरे पूरे के पूरे चले जाएंगे जो कि है 22 रुपए के हिसाब से, तो 22 रुपए के हिसाब से
44,000, ठीक है 44,000। बेटा अगर यहाँ पे लिखा होता ना कि 2500 यूनिट इशू हुए हैं, 2000 की जगह अगर लिखा होता कि 2500 यूनिट इशू हुए हैं, तो आप देखो 2500 यूनिट इशू करने के लिए सबसे पहले मेरे पास जो बचा है वो है ये 2000 के यूनिट्स जो कि 22 रुपये के हिसाब से हैं, तो ये तो मैं पूरा का पूरा निकाल देती। उसके बाद 500 यूनिट्स और इशू करने थे तो यहीं पर 500 यूनिट यहाँ इस वाले 2000 से निकालती, ठीक है। यहाँ पर मैं इस तरीके से लिखती और यहाँ पर टोटल करके उसको शो कर देती, एक वैल्यू शो कर देती, ओके। सो यहाँ ये 2022 रुपए के हिसाब से पूरा इश्यू हो गया, बचा ये 2000 जो कि है 23 रुपए के हिसाब से 46,000 की वैल्यू का, राइट। ये हुआ जनवरी 28 का। जनवरी 31 शॉर्टेज है 50 रुपए की, जनवरी 31 शॉर्टेज है, रिसिप्ट नहीं है, शॉर्टेज है। जब भी बात बोली जाए ना शॉर्टेज है, फायर लग गई, खो गए, उड़ गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, इशू में डाल दो, कोई मतलब नहीं है। वी डू नॉट हैव टू अंडरस्टैंड क्या हुआ, वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड कि भैया क्या वो माल मेरी जगह से निकल गया है, मेरी जेब से चला गया है, चाहे वो किसी भी रीज़न से जा रहा हो, सब कुछ उठा के इशू में डाल दो। सेम अगर कुछ आया है, जैसे कि स्टोर ने इशू किया था किसी डिपार्टमेंट को, एक्स वाई जेड डिपार्टमेंट माल लेकर के गया, उसका यूज़ नहीं हुआ, तो मुझे वो शरीफ बच्चे की तरह वापस दे गया, तो यानी मैंने वापस वो रिसीव कर लिया, तो उसको रिसिप्ट में डाल दो। इस तरीके से आप जो है रिसिप्ट एंड इशू करते रहेंगे, राइट। अब यहाँ पे 50 का शॉर्टेज है तो यहाँ पे इशू में डाल देंगे, बट ब्रेकेट में दिस इज़ नेसेसरी टू टेल कि भैया ये शॉर्टेज का है, शॉर्टेज का है, ठीक है। सो ये अब 23 रुपए के हिसाब से 50 का जो मेरे पास बना है, 23 रुपए के हिसाब से वो बना 1150, ठीक है। तो ये आपका अमाउंट हो गया। अब बैलेंस कितना बचा, 2000 में से, 2000 में चल जा, किस्मत की तरह ये भी बंद हो जाता है, तो ये बचा 1950, और ये भी 23 रुपये की वैल्यू से, तो ये आपका हो गया 44,850, राइट 850। सो ये इस तरीके से आपका पूरा क्वेश्चन हो चुका है। एंड आफ्टर दिस आपको शो करना है कि भैया क्लोजिंग स्टॉक इज़ योर यहाँ पे 1150 यूनिट्स का, ठीक है, और उसके बाद माफ़ कीजिएगा 1950 यूनिट्स का, 1950 ये वाला इशू का, और यहाँ पे जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वो आपकी है 44,850। ये आपको मेंशन करना है, चाहे फीफो कर रहे हो, चाहे लीफो कर रहे हो, चाहे वेटेड एवरेज कर रहे हो, ये आपको क्वेश्चन के बाद मेंशन ज़रूर करना है। सो अब थोड़ा सा जूम आउट करती हूँ। आई होप यू अंडरस्टूड दिस होल टॉपिक। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय।